तपोवन हादसे का आज पांचवां दिन है और चमोली में इस वक्त चिनूक हेलीकॉप्टर राहत बचाव कार्य में लग चुका है। तेजी से वहां पर राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। अभी भी आपदा में 170 से ज्यादा लोगों के लापता होने की बातें कही जा रही है। तो चिनूक हेलीकॉप्टर जो कि उत्तराखंड के चमोली पहुंच चुका है, वहां पर राहत बचाव कार्य जो कि चल रहा था। हालांकि बीच में कुछ ऐसा वक्त आया, ऐसी घड़ी आई जब टनल के अंदर खासतौर पर पानी भर जाने की वजह से इस ऑपरेशन को रोक दिया गया था। मगर अब अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से जहां जहां पर इस आपदा का बड़ा असर हुआ, खासतौर पर लोगों की जिंदगियां जहां पर फंसी हुई थी या उनके शव बरामद करने के लिए निकालने के लिए जो पूरा राहत बचाव का कार्य तेजी से चल रहा था, अब उसमें चिनूक हेलीकॉप्टर पहुंच करके अब इस तेजी से चलते हुए राहत बचाव कार्य को और तेजी से आगे ले जाने का काम कर रहा है। लेकिन इस बीच में आपको बताएं कि 34 से ज्यादा लोगों के शव बरामद किए गए हैं, जिनमें से 9 की पहचान हुई है। आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे भी जो SDRF के जवान हैं ऋषिगंगा में, उन्होंने भी बोला कि अचानक से जल स्तर बढ़ गया, तो अभी क्योंकि हमारे इतने सारे रेस्क्यूअर्स यहाँ पर हैं, हम किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो हमने एज अ प्रिकॉशन एक बार इसको इवैक्यूएट करवा दिया था साइट को। थोड़ी देर में जब लगा कि वाटर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है और 1-2 फिट ही बढ़ा है, तो वापस से रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया। रेस्क्यू पूरा उसी स्पीड पर उसी तरीके से चल रहा है। विदिन 45 मिनट्स वो रिज्यूम हो गया था और फोर्सेस को रीडिप्लॉय किया जा रहा है और जगहों पर भी रीडिप्लॉय किया जा रहा है। कोई वार्निंग आती है तो हम सभी को इसलिए अलर्ट मोड पर रखे हैं कि तुरंत यहाँ से खाली करवाया जाए एरिया, हम किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते हैं। सहयोगी नवीन पांडे फोनलाइन के जरिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नवीन, जाहिर तौर पर जैसी आपदा थी और ऐसे में राहत बचाव कार्य को कंप्लीट करना, बहुत एहतियात के साथ आगे ले जाना एक बड़ा चुनौती भरा काम था। आज जबकि चिनूक हेलीकॉप्टर भी वहां पर पहुंच चुका है, इस वक्त क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप वहां? जी बिल्कुल जब्बार, आपको बता दूं, एक छोटा सा अपडेट आपको दे देता हूं अभी तुरंत। हालांकि आपने जी 3500 अभी तक बरामद किए जा चुके हैं और उसमें से 7 सौओं की पहचान, 10 सौओं की पहचान हो चुकी है, जिसमें से 7 सौ बरामद जो हुए हैं वो उत्तराखंड के हैं, चमोली, हरिद्वार, बागेश्वर और पिथौरागढ़ से। 300 जो और बरामद हुए हैं, जो मिले हैं, मतलब टोटल 10 में से उनमें से लखीमपुर खीरी के और 2 हैं और 1 अलीगढ़ का है। जी, अब जब्बार, जैसा आपने सवाल किया कि अब स्थिति क्या है, तो जैसे चिनूक हेलीकॉप्टर एयरफोर्स का एक बहुत ही उत्तम किस्म का हेलीकॉप्टर है, जो अपने साथ एक तकनीकी मशीन लेके आया है जो JCB की तरह ही है, लेकिन खुदाई करने से लेके मलबा हटाने में इसकी अहम भूमिका है। और वो हेलीकॉप्टर आया है, उसके साथ में जो 7 से 8 लोग हैं वो आए हैं और उसके साथ में 5-6 और जो टेक्नीशियन होते हैं, जो इसके एक्सपर्ट हैं, उनको भी लेके आए हैं। अब वहां से वो जौलीग्रांट से एयर फ्लाइट ने उड़ान भर के जोशीमठ पहुंच चुका है और वहां से उसको अनलोड करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। ये करीब शाम के आसपास की बात होगी। अब हमें लगता है कि जब्बार, ये आगे अब उसके अलावा जो भी उसमें अब कार्य होगा, जो लोग उस चिनूक हेलीकॉप्टर से आए हैं उसके थ्रू जो है वो उसका काम बढ़ेगा। खास बात इस चिनूक के बारे में अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो ये पूरी तरीके से सक्षम है 3 टन से अधिक के भार वाहन उठाने को लेकर, 14 से ज्यादा टन भी उठा सकते, मतलब इस तरीके से ये सक्षम है। अगर इसलिए ये अब माना जाता है कि जो तमाम तकनीक वहाँ पे अपनाई जा रही है, सब कुछ होने के बाद भी सफलता बहुत हद तक नहीं मिल पा रही है, उसके कई कठिनाइयां, कई दिक्कतें आ रही हैं इस तरीके से। ऐसे में अगर कहीं ऑपरेशन, जैसे ये हेलीकॉप्टर इसलिए मददगार होगा जब्बार की, अगर कहीं जरूरत होगी, जैसे 2 JCB की जो टेक्निकल रूप से बहुत स्ट्रांग JCB है, जो एक चिनूक खुद लेके आया है, इन सबको देखने के साथ में ये तुरंत वहां से लेके और लोड करके और कुछ ही मिनटों में जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पहुंचा दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इससे एक बहुत ज्यादा राहत की बात है। और लेकिन यही है कि जो टेक्नोलॉजी वाइज हम प्रयास हो रहा है पिछले 4-5 दिनों से, उसमें हम जो 180 मीटर टनल के पास जाके और 2 रास्ते की बात हो रही है टी पॉइंट पे, वहां तक पहुंचने में हमें कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। जैसा कि अभी आपने देखा, आपने बताया भी कि वहां पे जब ड्रिलिंग की जा रही थी, एक असेसमेंट किया गया कि ड्रिलिंग करके और नीचे देखा जाए उसमें कैमरा डाल के कि क्या स्थिति है, तो वहां से गैस और पानी का रिसाव होने लगा। उसके बाद ही, थोड़ी देर बाद ही, उसी के बाद से अचानक जलस्तर बढ़ा। हालांकि जलस्तर का बढ़ने से यहाँ के खुदाई से कोई ताल्लुक नहीं था, क्लियर कर दूं दर्शकों को, तो ये जलस्तर बढ़ा, फिर वहां से लोगों को हटाया गया था। तो जैसा कि अभी आपने बाइट में सुनाया DIG के, 45 मिनट तक, तो उस दौरान एक और स्पेशल विशेष काम ये हुआ, देखिए बोर्ड तो बहुत अच्छे ढंग से चल रहा कि तुरंत हेलीकॉप्टर से करीब साइंटिस्ट जो वहां पे ऑलरेडी मौजूद हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, DRDO के,
वाड़िया इंस्टीट्यूट देहरादून सहित कई जगह वो तुरंत वहां गए और ऊपर फ्लाई करते हुए लगभग 10 गांव जो वहां पे है उनको देखा उन्होंने, वहां से एरियल सर्वे किया और जो ग्लेशियर जहां से टूटने की बात आ रही उसको भी देखा उन्होंने वहां एरियल सर्वे करते हुए और फिर वापस आके रिपोर्ट दी तुरंत कि मतलब नहीं अब ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई खतरा, क्योंकि ये स्थिति आ रही थी, चिंता इस बात की फिर बढ़ गई थी। चलिए अब राहत बचाव कार्य और तेजी से आगे बढ़ रहा, बहुत शुक्रिया फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए नवीन पांडे।